हरिद्वार के थाना बहादुराबाद के क्षेत्र में बीते दिनों हुए हत्या कर लूट के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस की ओर से खुलासा किया गया है, जिसमें पुलिस की ओर से हत्याकांड में शामिल तीन अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल बीती 15 जून को थाना क्षेत्र के सत्य गैस एजेंसी के पास अज्ञात युवक का शव लहूलुहान हालत में पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस दौरान मृतक की पहचान इब्राहिमपुर निवासी रोहित के रूप में हुई थी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मिलिट्री ग्राउंड के पास ब्लॉक गेट के सामने से शुभम को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई। इस दौरान पूछताछ में पता चला कि आरोपी मृतक का दोस्त है। वहीं आरोपी ने बताया कि उसने रोहित से पार्टी मांगी थी। इस दौरान शराब खरीदने के लिए रोहित ने अपनी जेब से पैसे दिए। वहीं रोहित के पास ज्यादा पैसे होने के चलते उसके मन में लालच आ गया, जिसके बाद उसने घर जाके बड़ी कैची जीन्स पैंट में छिपा कर ले गया और आम के बाग में पहुंचकर मृतक रोहित के साथ शराब पीने लगा, जिसके बाद घर छोड़ने के बहाने आरोपी ने रोहित को सत्या गैस एजेंसी के पास मकई के खेत में ले जाकर बातों बातों में अचानक से उसकी गर्दन पर कैची से कई वार कर दिए और उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक का सारा सामान लूटकर अंकुर और राकेश को दिया। इस दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल सभी सामानों को बरामद कर लिया। वहीं तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस मौके पर हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से 2500 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई है। साथ ही उप निरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र की ओर से भी नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये जो 15 तारीख को सुबह हमारा थाना बहादुराबाद में सूचना मिली थी कि एक अज्ञात डेड बॉडी जो है रोहल के अंडरपास के पास खेत में पड़ी हुई करके, तत्काल रूप से हम सभी लोग मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया है। उसमें एक पुरुष का डेड बॉडी है, उसका मर्डर करके उधर फेंका गया था, तो उसमें तत्काल रूप से हमने टीम गठित करके कार्रवाई करी। इसमें कल जो है हमें सफलता मिली। इसमें जो है मेन अक्यूस्ट शुभम जो है ये बहादुराबाद में नाई का काम करता है। ये इब्राहिमपुर में जो ये मृतक है रोहित, इनका दोस्त है। रोहित आजकल देहरादून में काम कर रहा है। वो 14 तारीख रात को जब बहादुराबाद आए थे, दोनों का मुलाकात हुई, फिर ये पार्टी करने के चक्कर में शराब लेके वहाँ दारू पी रहे थे। जो रोहित के पास पैसा था उससे लालच होकर शुभम ने जो है इनको मर्डर कर दिया, कैंची से वार करके जो है इनको मर्डर कर दिया था। और इनका पैसा 10,000 रुपये और ये इसका जो है इन्होंने लूट लिया है। आपराधिक इतिहास अभी हम जांच कर रहे हैं इसमें, और इसमें दो और अभियुक्त, एक शिव कुमार और एक मनीष जो है, इसका साक्ष्य छुपाने में जो मदद की इनका मोटरसाइकिल को छुपाने में, उनको भी हमने गिरफ्तार कर लिया। ये अच्छी गुडवर के लिए हमारा टीम के लिए 10,000 रुपये के नाम दिया। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।